Oh, yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gopesha Gopika
लेकिन आज हम कुछ भक्तों का वर्णन करेंगे जो वास्तविकता में भक्त हैं। कुछ ऐसी कथाएं आपके समक्ष करेंगे, उन कथाओं के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि वास्तविकता में भक्त कौन है। तो देखिए, एक घटना के आप माध्यम से आप समझ सकते हैं, और भक्ति के मार्ग में सहनशील होना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है तत्क्षणा। तत्क्षणा मतलब सहनशील। एक बार की घटना है, एक गांव में या एक नगर में एक व्यापारी था। व्यापारी को व्यापार करने के लिए कहीं बाहर जाना था, लेकिन उसको चिंता थी कि मेरे धन का क्या होगा। उस जमाने में बैंक नहीं हुआ करते थे, तो किसी न किसी के पास धन रखा जाता था या जमीन में लोग गाड़ देते थे। तो उनके नगर में एक महात्मा जी रहते थे, वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे, सारा दिन अपने भजन साधन में लगे रहते थे। महात्मा जी ने सोचा, अगर मैं घर में अपनी पत्नी को देकर जाऊंगा, स्त्रियों का स्वभाव क्या होता है, खर्च कर देती है। तो महात्मा जी के पास वो व्यक्ति गया
और उनको जाकर प्रार्थना की कि मैं कुछ दिन के लिए व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ और मेरे पास 5 सोने की अशर्फियाँ हैं और मैं चाहता हूँ कि इनको मैं आपके पास रख दूँ और जब वापिस आऊँगा मैं आपसे ले लूँगा। महात्मा जी बोले, देखो भाई, ना तो हमें तुम्हारे धन से लेना देना कोई है ना तुमसे, अगर तुमको ऐसा लगता ही है तो ये कुटिया में जहाँ तुमने रखना रख दो, वापसी खुद ही आकर नहीं लेना। तो बोला ठीक है। उसने कुटिया में जाकर स्वयं अपनी इच्छा से एक स्थान पर वो 5 मोहरों की एक पोटली छिपा दी और जाते समय अपनी पत्नी को बोल कर गया कि देखो भाई, मैंने एमरजेंसी के लिए महात्मा जी के पास कुछ धन रखा है, अगर तुम्हें बहुत एमरजेंसी पीछे से पड़ी तुम वहां से थोड़ा ले लेना। इतना कहकर व्यापारी व्यापार करने चला गया। समय बीत गया थोड़ा सा, तो उसकी पत्नी को धन की आवश्यकता पड़ी थोड़ी सी, तो उसने क्या किया, वो महात्मा जी के पास गई, बोले कि मेरे पति ने बोले कि मैं जानता नहीं इस कुटिया में कहाँ रखा है, तुम्हारे पति का है, ले लो। वो वहाँ पर गई, उसने देखा तो 5 अशर्फी, उसने एक अशर्फी वहाँ से निकाल ली, 4 वहीं रख के वो चली। थोड़े दिन के बाद जब व्यापारी वापिस आया तो व्यापारी ने क्या कि घर नहीं जाने से पहले सोचा कि पहले अपने धन के पास जाऊं। व्यापारी अपने घर नहीं गया, सीधा महात्मा जी के पास गया और बोला कि मैंने कुछ धन, बोले कि जहां रखा था वही ले लो भाई, मेरे को लेना देना कोई नहीं उससे। व्यापारी उसी स्थान पर गया और जाकर उसने उस पोटली को निकाला तो उस पोटली में से जब देखा तो एक अशर्फी कम थी सोने की, तो सोच में पड़ गया कि एक कहां चली गई। महात्मा जी को पूछा भी एक अशर्फी कहीं आपने तो नहीं ली, बोले कि हमने रखते समय भी आपने ये बात बोले कि ना तो हमें तुमसे मतलब ना तुम्हारे धन से मतलब, तुमने रखा तुम जानो। व्यापारी के मन में आया कि महात्मा जी शायद झूठ बोल रहे हैं, कि मन में लालच आ गया है, इन्होंने क्या किया है एक अशर्फी इसमें से गायब कर दी है और मान नहीं रहे। तब उसने सोचा कि इसका फैसला राजा ही करेगा। व्यापारी राजा के पास और जाकर बोला कि महात्मा जी ने एक अशर्फी मेरी गायब की है और मान नहीं रहे। तो राजा ने बोला ठीक है, महात्मा जी को दरबार में बुलाया जाए। महात्मा जी को दरबार में लेके जाया गया। महात्मा जी अपना भजन साधन में मस्त था, कोई चिंता नहीं है, चले गए वहां पर। तब राजा ने पूछा, भाई इसने आपके यहाँ 5 अशर्फी लिख दी, एक अशर्फी कहाँ गई? उन्होंने वही बात बोली, ना तो हमें इसे धन से मतलब ना इसे मतलब, क्या पता खुद ही रखा है इसी को पता होगा। लेकिन व्यापारी बड़ा चतुर था, उसने जैसे तैसे करके महात्मा जी को चोर साबित कर दिया बड़े दरबार में। जो भगवान का भक्त है वो ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करते, वो शांति से खड़े रहे और उसने किसी प्रकार से येन केन प्रकार उनको क्या कर दिया, चोर घोषित करवा दी। अब हुआ क्या कि राजा ने बोला कि महात्मा जी का मुंह काला करके गधे पर बिठाकर नगर में घुमाया जाए। अब इसमें दोष कोई नहीं है महात्मा जी का। अब देखिए, तो महात्मा जी का मुंह काला कर दिया गया, उन्हें गधे पर बिठाया गया और पूरे नगर में घुमाना शुरू कर दिया उनको। और जब ऐसा जुलूस निकले तो बच्चे बहुत मजा लेते हैं, बच्चों का खूब हल्ला मच रहा था। व्यापारी के घर के आगे से जुलूस निकला, जब व्यापारी के घर के आगे से जुलूस निकल रहा है तो क्या हुआ कि व्यापारी की पत्नी बाहर आई तो देखा, भाई महात्मा जी गधे पर बैठे हैं, मुंह काला किया है इनका और बच्चे खूब हल्ला मचा रहे हैं, डोल पीट रहे हैं, थाली पीट रहे हैं बच्चे पीछे खूब। अपने पति को पूछा, भाई ये महात्मा जी तो बड़े अच्छे हैं, इनको गधे पे क्यों बिठाया लोगों ने?
बोले कि देखो ये महात्मा जी ने चोरी की है, इस चोरी के कारण इनको गधे पे बिठाया गया। बोले क्यों चोरी? बोले तो मैं मालूम है कि जाते समय मैं 5 अशरफियां इनकी गुड़िया में रखकर गया था, उसमें से 1 अशरफी कम है और महात्मा जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ये बात बोली तो उसकी पत्नी के तो हाथ पाओ सूझ गए कि ये क्या कर दिया आपने पति देव, आपने तो बोला था कि जब मुसीबत आएगी तो वहां से 1 अशरफी तुम जाकर ले आना और पीछे से मैं ही तो लेके आई थी। अब ये बात जब सुनी व्यापारी की अभी हाथ पार कांपने लग पड़े, मैंने मैं क्या कर दिया, हाथ पांव कांपने लग पड़े उसको। वो भाग कर गया और रोको रोको जुलूस को रोका उसने, भाग कर गया जुलूस को रोका, बोले महात्मा गधे नीचे उतारो और चरणों में गिरकर सबके बीच में क्षमा याचना करने लगा। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, उनको जब चोर बोला गया बड़ी सभा में तब भी कुछ नहीं बोले, अब इनको बड़ी सभा में क्षमा याचना की जा रही है तब भी कुछ नहीं बोल रहे, शांत खड़े। तब महात्मा जी ने क्या किया, जमीन पर भूमि पर 2 मुट्ठी मट्टी की भर ली, 2 मुट्ठी मट्टी की भर ली अपने हाथ में, 1 मुट्ठी की मुट्ठी जो है इस तरफ फूक लगाकर उड़ा दी मिट्टी सारी, दूसरी जो है इस साइड में फूल है मिट्टी सारी उड़ा दी। इतना करके महात्मा जी वहां से चले गए। अब लोगों को समझ नहीं आया कि ये महात्मा जी की क्या लीला है, भाई मट्टी उठाई 1 फूक इधर मारी 1 फूक इधर मारी और वहां से वो चले गए। वहां पर एक बुद्धिमान व्यक्ति था, बोला कि इस महात्मा जी को आप समझ नहीं पाओगे। बोले कि पहली मुट्ठी उन्होंने उड़ाई मिट्टी की फूक मारकर, वो इसलिए थी कि संसार में आपने महात्मा जी को चोर साबित कर दिया, बहुत बदनामी की उनकी, पूरी जगह पर उनकी बदनामी हो गई, उनको चोर साबित कर दिया, ये पहली मुट्ठी इन्होंने इसलिए उड़ाई। दूसरी, बोले दूसरी इसलिए उड़ाई इन्होंने कि अब आप लोग इनका बड़ा आदर करोगे, कितने उच्च कोटि के महात्मा, देखो भाई गधे पर भी बिठा दिया, जुलूस भी निकाल दिया, इनका मुंह काला भी कर दिया, लेकिन इनको फर्क ही नहीं पड़ा। अब आप लोग इनका मान सम्मान बहुत ज्यादा करोगे, कितने वाकई सच्चे महात्मा हैं। लेकिन वास्तविकता में उन महात्मा जी के लिए, ये शिक्षा की बात आखिरी लाइन में समझ लीजिए सारी, उन महात्मा जी के लिए जो आप लोगों ने चोर साबित किया उनको, उनके लिए मिट्टी के समान था, और अब आप उनका मान सम्मान करोगे वो भी उनके लिए मिट्टी के समान है, उनके लिए दोनों बातें मिट्टी के समान है। यानी कि उनको चोर बोला तो भी फर्क नहीं पड़ा, आप उनको साधु बोलोगे तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति कौन मिलेगा, ऐसे महात्मा मिल सकते हैं कलयुग में, सो दुर्लभ, बड़े विरले मिलेंगे, कोई रेयर। साधु तो बहुत मिलेंगे, महात्मा भी बहुत मिलेंगे, लेकिन जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे नहीं मिलेंगे। इसलिए हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि भक्त कहना और भक्त बनना दोनों में बहुत अंतर है। भक्त बनना बहुत मुश्किल है, भक्त बनने के लिए बहुत सारी परीक्षा देनी पड़ेगी, ऐसे बहुत सारी कथाएं आती हैं। एक दो कथा और वर्णन करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगले रविवार से भाई कितना शुभ मास शुरू होने वाला है, कार्तिक मास शुरू होने वाला है, मैं आपको उसकी महिमा बताऊंगा, ताकि अगले रविवार से आप पूरी तैयारी के साथ आओ और कार्तिक मास का पूरा पूरा लाभ उठाओ। तो एक बार एक महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे,
जब नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा नदी में एक बिच्छू गिर गया और डूब रहा है। उन्होंने अपने दोनों हाथ से बिच्छू को बाहर निकालने का प्रयास किया, बिच्छू ने जोर से डंक मारा, बिच्छू हाथ से गिर गया फिर नदी में। फिर से प्रयास किया, उस बिच्छू को निकालकर बाहर निकालने का प्रयास किया, फिर से बिच्छू डंक मारा, फिर से गिर गया। तीन चार बार ऐसा किया और बार बार बिच्छू को बचाने का प्रयास करे, बिच्छू बार बार डंक मार दे उसको। अब क्या हुआ? अब कोई व्यक्ति पास में से निकल रहा था, वो सब दृश्य देख रहा था। उसने बोला, महात्मा जी ये क्या हो गया आपको? ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, आप उसको बार बार बचा रहे हो। तब वो संत कहते हैं कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, उसका स्वभाव है। तो वो अपने स्वभाव से कार्य कर रहा है। एक संत का स्वभाव क्या है? सज्जनता ही निभाना, मतलब दूसरों को बचाना। वो अपने स्वभाव का पालन कर रहा है, मैं अपने स्वभाव का पालन कर रहा हूं। जब वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं क्यों बदलूं? मेरा काम है बचाना, उसका काम है डंक मारना। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। हम ऐसे भक्त कहां से मिलेंगे भाई? मिलेंगे कहां? यहां तो वो एक डंक मारे, हम 10 डंक जब तक नहीं मार देते उसको, तब तक शांति नहीं मिलती हमारे को। एक बहुत सुंदर और कथा इसी के साथ मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि भक्त कहना, भक्त बनना बड़ा ही कठिन है। तो एक बार ये कथा मैं सुनाई थी पहले, तो माधव दास, इनका भक्तमाल में वर्णन आता कथा का, भक्तमाल में माधव दास जी का। तो माधव दास जी सुबह सुबह जाते थे पांच घर में भिक्षा मांगने के लिए। उनका नियम था पांच घर से भिक्षा मांगना, उसी में जो मिल जाना अपना गुजारा करते थे। लेकिन सबसे पहले वो सुबह सुबह किसके घर में जाते थे? कि बुढ़िया के घर जाते थे, और वो बुढ़िया सुबह सुबह उनको रोज गालियां निकालती थी। वो गालियां सुनते और जाते भी उसी घर में, रोज जाते उसके घर में सुबह, मंगलाचरण सुनते उसके मुख से सुबह सुबह। जैसे हम सुबह मंगल आरती गाते हैं, लोग कहते हैं मंगल आरती गाओ सुबह सारा दिन अच्छा जाता है। लेकिन माधव दास जी से बुढ़िया के मुख से मंगलाचरण सुनते थे रोज, यानी कि सुबह सुबह खरी खोटी गालियां सुनाती थी। और रोज का नियम था सबसे पहले उसी घर में जाना, एक नियम था पक्के। एक दिन क्या हुआ, वो बुढ़िया गोबर का पोछा घर में लगा रही थी, और माधव दास जी का नियम पक्का था कि सुबह सुबह इसके मुख से मंगलाचरण सुन के दूसरे घर में जाते थे। चले गए वहां पर, और जैसे वहां पर गए तो बुढ़िया ने देखा सुबह सुबह इसको बिल्कुल शर्म नहीं, महात्मा को रोज गालियां सुनता फिर भी सुबह सुबह आ जाता है, ऐसा बुढ़िया कहती। बड़ा गुस्सा आ गया बुढ़िया को, ये कितना बीट है, रोज आ जाता है, गोबर का पोछा लगा रही थी। उसने क्या किया, गोबर का पोछा उठाकर सीधा महात्मा जी के मुंह की तरफ फेंक दिया, माधव दास जी के मुंह पे मोचा मारा। लेकिन माधव दास जी ने पोछा मुंह पे नहीं लगने दिया, कैच कर लिया। जैसे क्रिकेट प्लेयर कैसे बॉल को तुरंत कैच कर लेते हैं, तो माधव दास जी ने उस पोछे को कैच कर लिया और बड़ा प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। कहते धन्य है मैया, रोज खाली भेजती है, कम से कम आज कुछ तो दिया, रोज तो खाली भेजती है, चल कुछ तो दिया, तूने गोबर का पोछा सही, कुछ तो तेरे घर से मिला, आज इतने दिन से आ रहा था कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ तो मिला तेरे घर से आज। प्रसन्न होकर चले गए पोछा लेके, वहां से गोबर का लिपटा पोछा वहां से लेके चले गए, और फिर उसको धोया उन्होंने। देखो भक्तों का स्वभाव, उस पोछे को धोकर क्या किया उन्होंने, क्या किया, उसकी बत्तियां बनाई। घटना जगन्नाथपुरी की है,
बत्तियां बनाकर जगन्नाथ जी को दीप अर्पण कर दिए सारे, बत्ती बनाकर उस कपड़े की दीपक में लगाकर दीप जला के दीप अर्पण कर दिए जगन्नाथ जी को। जैसे जैसे बत्ती जली वैसे वैसे उस बुढ़िया के हृदय का अंधकार चला गया। उसके बाद जब फिर माधवदास जी फिर गए उसके घर में, जैसे गए तो चरणों में गिर पड़ी बुढ़िया, बोले क्षमा कर दो बहुत बड़ी भूल हो गई। क्योंकि पहले उसके अंदर अहंकार था, एक संत की कृपा से उसके हृदय का अहंकार चला गया। भगवान का भक्त क्रोध के बदले में क्रोध नहीं करता, क्रोध के बदले में क्रोध करोगे तो क्या होगा, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, दो बॉम्ब ब्लास्ट होगा, दोनों ही बॉम्ब में फट जाएंगे। क्रोध को शांत करने के लिए दूसरे को सहन करना चाहिए, ये भक्त को सहन करना ही पड़ेगा, नहीं तो दो जगह से क्रोध आएगा तो बॉम्ब ब्लास्ट। इसलिए बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करना है। अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें प्रयास करना चाहिए कुछ बातों को सहन करें। अभी हमारा स्वभाव नहीं है लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। धीरे धीरे रे मरा धीरे रे सब होगा। अगर अभ्यास करेंगे, अच्छे भक्तों का सम करेंगे, भक्ति के नियमों का पालन करेंगे तो ये गुण भी हमारे अंदर धीरे धीरे करके एक दिन आ जाएगा, ये गुण भी हमारे अंदर आएगा एक दिन, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। तुकाराम जी की घटना, सब तुकाराम जी इतने सरल स्वभाव के थे, वो जहां जाते सब लुटा देते लोगों को। पत्नी बड़ा उनकी दराज थी उनसे कि जब देखो लुटाते रहते हैं। एक दिन बोला कि जाओ भाई गन्ने लेके आओ। संत स्वभाव अपना मजे से बिठल बिठल करते चले गए। कहां पे चले गए? गन्ने लेने चले गए। बहुत सारे गन्ने लेके आए, ढेर गन्नों का लेके आए बहुत सारे। जैसे घर के अंदर एंटर करने के बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे मोहल्ले के, तो मोहल्लों के बच्चों ने क्या किया, उनसे क्या मांग लिया, गन्ना मांग लिया। खिड़की से पत्नी देख रही है कि मेरे पति थे बहुत सारे गन्ने लेके आए। एक बच्चे ने मांगा, दूसरे ने मांगा, तीसरे ने मांगा, चौथे ने मांगा, करते करते इतनी बड़ा जो गठर था गन्नों का सब समाप्त हो गया, एक गन्ना बचा। पत्नी को बड़ा क्रोध आ गया, खिड़की से देख रही थी, गन्ने तो मैंने मंगाए सारे बच्चों को लुटा दिए, इनकी आदत नहीं गई, जब देखो सब बांटते ही रहते हैं। घर के अंदर आए और पत्नी को कहते कि लो भाग्यवान ये गन्ना तुम्हारे लिए। उसको तो पहले बड़ा गुस्सा आया था जबरदस्त, गन्ना पकड़ा और जोर से संत तुकाराम जी की पीठ पे मारा, गन्ने के दो पीस हो गए। इतना जोर से मारा होगा सोचो पीठ पे, जब गन्ने के दो पीस हो गए कितना जोर से मारा होगा पीठ पे। कहीं माता को ऐसा नहीं करती घर में हैं? पर याद रखना सारे संत तुकाराम नहीं है, ख्याल रखना भाई कि उसके बाद कहीं दो के चार मिस ना हो जाए। आप मत ऐसा करना घर जा करके। तो संत तुकाराम जी ने बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया, बड़े शांत स्वभाव के साथ स्माइलिंग फेस के साथ कहते हैं कि भाग्यवान मैं जैसे ही अपने घर के अंदर प्रवेश कर ही रहा था एक गन्ना मेरे हाथ में था। मैं विचार कर रहा था कि घर में हम दो लोग हैं गन्ना एक है। कैसा स्वभाव, आहा धन्य संत तुकाराम क्या है। कहते भाग्यवान जैसे मैं भीतर आने लगा तो मेरे मन में ये विचार आया था कि घर में हम दो लोग हैं और गन्ना एक है, अच्छा किए तूने इसके दो पीस कर दिए। जब ये शब्द कहे उसी क्षण उनकी पत्नी अपने पति के चरणों में गिर पड़ी।
देखो संतों का स्वभाव कैसा होता है, किस तरह किसी के मन बदल देते हैं। उस दिन उसकी पत्नी ने, उनकी पत्नी ने प्रण किया कि आज के बाद अपने पत्नी का कभी अपमान नहीं, अपने पति का भी अपमान नहीं करूंगी, अपने पति का। सहनशीलता की बात हो रही है, इसको सहनशीलता कहते हैं। बहुत मुश्किल है सहन करना, दूसरों को कष्ट देने में जितना मजा आता ना हम लोगों को, उतना सहन करने में हमें बड़ा कष्ट होगा। संत एकनाथ, आज मैं केवल भक्तमाल की कथा सुना रहा हूं आपको, ओनली भक्तमाल कथा, सभी उसी में से कथा चल रही। एकनाथ महाराज का बड़ा नाम था, तो एकनाथ, या मैं नाम बोल रहा हूं तो शायद कोई और संत है, मेरे को शायद एकनाथ लग रहे हैं, एकनाथ महाराज। तो उनके वहां पर ब्राह्मण उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे, लेकिन वो संत स्वभाव के, वो चाहते थे कि किसी प्रकार से एकनाथ जी को गुस्सा दिलाया जाए, इनको गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आना चाहिए किसी प्रकार से। तब एक ब्राह्मण उनकी बरादरी का व्यक्ति था, उसकी बेटी की शादी थी, लेकिन ब्राह्मण बड़ा गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपनी बरादरी के लोगों के पास गया और बोला कि देखो भाई मेरी बेटी की शादी है, आप सब मेरी मदद करो। बोले हैं कि, वो बोले कि हम तुम्हारी बेटी की शादी इतने धूमधाम से करेंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले एकनाथ जी को गुस्सा दिलाना पड़ेगा, अगर तुमने गुस्सा दिला दिया उनको, तेरी बेटी की शादी बहुत धूमधाम हम करेंगे, हमारी गारंटी रही थी उससे। बोले अच्छा, उसको पुत्र की, पुत्री के लोभवश, विवाह के लोभवश वो वहां चले गए। पहले तो सोचने लग पड़े इनको गुस्सा कैसे दिलाऊं, गुस्सा इनको आना चाहिए। तब सुबह सुबह के टाइम पर एकनाथ महाराज अपने ठाकुर जी की अर्च वगैरह की सेवा कर रहे थे, बड़े ध्यानपूर्वक, सुबह का समय था, लगे हैं उसमें, मस्त हैं। तब ये ब्राह्मण वहां गया, इसने क्या किया, अपने जूतों पर पहले बहुत सारा गोबर लगा लिया, खूब गोबर लगाया जूतों पर, और जहां जिस मंदिर में ये अपने ठाकुर जी का आरती वगैरह का सेवा पूजन कर रहे थे, श्रृंगार कैसे जो भी कर रहे थे, जूतों समेत अंदर चले गए। अब तो गुस्सा आएगा ही ना, एक तो सुबह सुबह बिना नहाए अपने जूतों में खूब सारा गोबर लगा के, बिना अनुमति बिना कुछ के सीधा ही उनके घर मंदिर के अंदर जूते लेके पहुंच गए। संत एकनाथ जी ने क्या किया, फिर उठा के बाहर फेंका कि नहीं फेंका, हैं? वो बड़ा प्रसन्न हो गए, तो जय हो ब्राह्मण देव का, आपकी जय हो, जय हो, परम सौभाग्य आप जैसे महान संतों का दर्शन हुआ। भाई आप जैसे संत देखो, हमारे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए इतने ललाहित, इतने उत्साहित कि अपना जूता उतारना भूल गए। जय हो प्रभु आपकी जय हो, और नहाना, नहाए भी नहीं, बिना नहाए बिना जूता उतारे, इतना आपके अंदर हमारे ठाकुर जी दर्शनों के लिए इतना प्रेम आपके अंदर, जय हो, उल्टा मान सम्मान देना शुरू कर दिया। वो ब्राह्मण को बड़ी शर्म आई कि ये क्या कर रहा हूं मैं, इतने में उन्होंने बोला अपनी अपनी पत्नी को, बोला जल्दी आओ भाग्यवान, देखो सुबह सुबह हमारे घर में ब्राह्मण देवताएं हैं। ब्राह्मण मतलब साक्षात ब्रह्म का ही स्वरूप है भाई, चलो चलो जल्दी से इनको टावल दो, स्नान कराओ। अरे महात्मा जी हमारे यहाँ प्रसाद पाके जाना, आए हो तो भूखे मत जाना। वो ब्राह्मण कुछ बोल ही नहीं पाया, बोलती बंद हो गई उसकी, पहले वाला प्लान फेल हो गया।
अब सोच में पड़ गया कि क्या करूं भैया, बेटी की शादी भी सर पे रखी है, करना तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब बड़े भाव और प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ उनकी पत्नी और वो ब्राह्मण और साथ में एक नाथ जी को एक लाइन में बिठाकर प्रसाद खिला रही है। सोचा कि इनको गुस्सा दिलाने का तरीका अच्छा है, इनकी पत्नी को छेड़छाड़ करूँगी तब तो गुस्सा इनको आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। इनको छेड़ूंगा तो गुस्सा नहीं आएगा, इनकी पत्नी को छेड़ देता हूँ तो कोई ना कोई काम ऐसा आ जाएगा कि इनको गुस्सा आ जाएगा। उनकी पत्नी जैसे झुककर प्रसाद डालने लगी उनको, ये ब्राह्मण ने क्या किया, उसकी ब्राह्मण की पत्नी की चोटी पकड़ के उसकी पीठ पर बैठ गया। एक नाथ जी को गुस्सा आना तो दूर रहा, उनकी पत्नी कहती देखो पति देव, ये ब्राह्मण देवता के कितना शुद्ध भाव है, जैसे यशोदा मैया की पीठ पर कृष्ण भगवान बैठते थे, ये तो मेरी पीठ पर ऐसे बैठ गए हैं। अब जब ये बात सुनी तो भाई ब्राह्मण देवता के इतने मतलब इतना उनकी वो शर्मिंदगी महसूस हुई, वो तुरंत जाकर चरणों में गिर पड़े, एकनाथ जी की मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो मूर्ख था, मैं तो आपको गुस्सा दिलाने के लिए आया था। बोले क्यों? बोले मेरी बेटी का विवाह था और मेरे पास धन नहीं था, मैं अपने बरादरी के लोगों के पास गया, उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्या करो हैं, इनको गुस्सा दिलाओ। बोले अगर तुम्हें धन की आवश्यकता थी तो तुम हमें आग्रह करते, हम अपने ठाकुर जी को बोलते कि तुम सबकी व्यवस्था कर देते। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं भगवान के भक्तों, एक से बढ़कर एक भक्त हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी परीक्षा दी है अपने जीवन में, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा इन चीजों का संसार में। इसीलिए हम सबको भी अगर भक्त बनना है तो थोड़ा थोड़ा तो अपने जीवन में कुछ अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भक्त बन गया तो उसके अंदर सहनशीलता, विनम्रता, ये सारे गुण आ जाते हैं। अभी हमारे अंदर ये गुण मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है, हो सकता आप में से कुछ लोग बैठे हों आपके अंदर ये गुण हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पर बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारी सेवा है हरी कथा करने की, हम अपनी सेवा कर रहे हैं बस, और आपकी सेवा तो हमसे भी बड़ी है कि आप एक घंटा आधा घंटा जो भी बैठता है उसको आराम से बैठ के सहन करते हो, सुनते हो, भी कैसा भी सुनाए आपको सहन करते हो, आप उससे भी महान हो। कहते वक्ता से श्रोता महान है, इसलिए आप महान हो, काफी समय से बैठे हो, काग्रचित होकर बैठे हो और बड़े ध्यानपूर्वक कथा श्रवण कर रहे हो। कथा श्रवण करना भी तो सहनशीलता है कि नहीं, बोलिए, अरे बोल दीजिए, है कि नहीं, अरे कोई बोला ही नहीं भाई, कथा सुनना सहनशीलता नहीं है, जोर से बोलो, तो आप सब सहनशील हो, ये गुण आपके अंदर, कथा सुनने तो गुण आगे अंदर आ गया। अभी मैं सहनशीलता वाली कथा को थोड़ा रोक देता हूँ और थोड़ा कार्तिक मास कथा करूँगा, बाकी कथा हम नेक्स्ट रविवार करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं कार्तिक मास की महिमा, ताकि आप अगले संडे से पूरा प्रिपेयर हो गए हो। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, भगवान कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्ष, मतलब मेरा जो महीना है वो कौन सा है, मार्गशीर्ष मेरा महीना है, कौन कहते हैं, भगवान कहते हैं। लेकिन भगवान को सबसे प्रिय महीना कौन सा, कोई बता सकता आप में से, सबसे प्रिय भगवान को कौन सा महीना, कार्तिक मास भगवान को सबसे प्रिय, क्यों प्रिय है कोई बता सकता है, जोर से बोलो, ये राधा रानी का महीना है। और कार्तिक मास का नाम कार्तिक क्यों पड़ा कोई जानता है, कार्तिक मास का नाम कार्तिक क्यों पड़ा, हाँ पीछे बोलिए, आपने अथड़ा किया, बोलिए, थोड़ा खा पी गया करो, घर से आवाज नहीं आ रही यार,
हाँ देखिए श्री श्री गौर नितय भगवान की जय। राधा रानी की माता जी का नाम है कीर्तिदा। क्या है? कीर्तिदा। इसलिए उनका नाम है कार्तिका, इसलिए इस महीने का नाम है कार्तिक मास। ये राधा रानी के नाम से इसका मास। इस मास को दामोदर मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर मास। दाम का मतलब है रस्सी, उदर का मतलब पेट। जब यशोदा माता ने दीपावली के दिन कृष्ण भगवान को उखल के साथ बांध दिया था, इस लीला को कहते हैं दामोदर लीला। तो अगले रविवार आपको इस लीला को सुनाया जाएगा। तो अगले रविवार थोड़ा टाइम टेबल भी चेंज हो जाएगा, जल्दी आइएगा। गौर आरती 6:30 बजे हो जाएगी। गौर आरती का टाइम 6:30, कथा आधे घंटे पहले हो जाएगी। और अगले रविवार से भगवान को दीप दान किया जाएगा, दीप अर्पण किया जाएगा भगवान को। इसलिए आप सब लोग जो हैं दीप अर्पण करने के लिए अगले हफ्ते से, यानी कि 9 अक्टूबर से 8 नवंबर तक भगवान को दीप अर्पण रोज करने आएंगे। और आप सबके लिए रोज शाम को प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है 8 अक्टूबर तक। कौन कौन रोज आएगा दीपदान करने भगवान को, हाथ खड़ा करो जरा। रोज कौन आएगा? बाकी लोग प्रसाद खाने ही मिले, बढ़िया स्पेशल प्रसाद है भाई, स्नैक्स प्रसाद। ये दाल रोटी सब्जी नहीं मिलेगी, स्पेशल प्रसाद। नाम नहीं लेना, आपके मुंह पानी आ जाएगा, कहीं का व्रत ना हो, कहीं टूट ना जाएगा, इसलिए अगली बार बताएंगे। तो रविवार के रविवार शायद थोड़ा टाइम लेट हो सकता है, लेकिन बाकी दिन टाइम है 7 से 8। शाम को 7 से 8 भगवान को दीप अर्पण होगा। यहाँ पर दामोदर भगवान आ जाएंगे, आपने रोज दीप अर्पण करना दामोदर भगवान को। और इस महीने में अगर कोई व्यक्ति रोज मंगल आरती करता है उसको क्या लाभ मिलेगा जानते हो? एक बार सत्यभामा माता ने प्रश्न किया था कृष्ण भगवान से कि प्रभु मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया कि मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब भगवान कहते हैं कि पिछले जन्म में तुम गुणवती नाम की एक कन्या थी और तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी और तुमने बहुत तपस्या की थी कार्तिक मास में। तुम्हारा नियम था तुम हर कार्तिक में सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती थी, ठंडे जल में स्नान करती थी, मेरा नाम उच्चारण करती थी, मुझे दीप अर्पण करती थी। इस प्रकार से तुम जो हो पूरा महीना इसी तरह मुझे क्या करती थी, प्रार्थना करती थी। और एक समय ऐसा आया कि एक कार्तिक मास में तुम बहुत बीमार पड़ गई थी और आप बीमार पड़ गए थे लेकिन आपने अपना नियम नहीं छोड़ा। आप उस बीमारी की अवस्था में भी सुबह सुबह ठंडे जल में गंगा के स्नान किया और स्नान करने के बाद जैसे बाहर आए तो आप कांपने लग पड़ी और कांप कर आप मूर्छित होकर बेहोश हो नीचे गिर पड़ी और थोड़ी देर में ही आपने अपने शरीर को छोड़ दिया। तब उसी समय विमान से आप मेरे धाम में आ गई और आपने इतनी कार्तिक मास के व्रत का जो पालन किया था उस कारण से आपको मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए कार्तिक में सब नियम ले लो भाई, एक महीना सारा साल तो भले नहीं आते पर एक महीना एक भी छुट्टी मंगल आरती की नहीं करनी, ऐसा व्रत लो। कई लोग व्रत लेते हैं कि भाई इस महीने में हम क्या करेंगे, बैंगन छोड़ देंगे। बैंगन तो लोग वैसे नहीं खाते, छोड़ने का लाभ गया। अगर छोड़ना तो ये छोड़ो कि इस महीने में हम ये पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, जितना आएगा समंदर दे देंगे। लेकिन अगर व्रत लेना ही है तो आप व्रत लीजिए कि सुबह सुबह मंगल आरती रोज आएंगे, ऐसा व्रत लीजिए, मंगल आरती आने का व्रत लीजिए इस महीने में। और दूसरा
सुबह के टाइम जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं और कार्तिक मास में विशेष रूप से उसका लाभ कई 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 हजार गुना मिलेगा आपको। इसलिए एक माला कम से कम कार्तिक मास में मंदिर के, इसे कहते हैं देवस्थान, क्या कहते हैं देवस्थान, यहां पर जब बैठकर एक माला नियम से करोगे कार्तिक मास में, अगर मंगल आरती के टाइम, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर, उसका लाभ हजार गुना ज्यादा। घर में जब करोगे लाभ तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन जब देव स्थान में आप जब करोगे, एक माला भी करोगे, उसका लाभ कई गुना ज्यादा मिलेगा। इसलिए कार्तिक मास में ये छोटा सा नियम बना लो। वैसे तो मंगल आरती आना नहीं, कुछ लोग आते हैं तो भाग जाते हैं, भागना नहीं, कम से कम एक माला का नियम बनाओ भाई, ज्यादा नहीं कर सकते, एक तो माला कर सकते सब लोग। और कार्तिक मास में दीप अर्पण करने से जो हमारे पितृ भी नरकों में चले जाते हैं उनको भी वहां से छुट्टी मिल जाती है। यमराज जी कहते छुट्टी भैया तुम्हारे नीचे किसी ने तुम्हारे नाम का दीप अर्पण कर दिया, इसलिए तुम्हें छुट्टी भाई, जाओ भगवान के धाम जाओ तुम यहां से। और कार्तिक मास में जितने भी दान पुण्य आप करोगे, वैसे दान कोई भी करो उसका पुण्य मिलता है और समय आने पर पुण्य समाप्त हो जाता है, लेकिन कार्तिक मास में जो भी आप दान पुण्य भी करोगे उसका आपको अक्षय फल मिलेगा, उसका फल कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हमने यहां पर 30 दिन प्रसाद रखा है, कुछ लोगों के नाम तो आ गए हैं, अभी भी कुछ स्थान खाली हैं। कार्तिक मास में एवरीडे शाम को स्नैक्स प्रसाद मिलेगा आपको, उसकी सेवा हमने रखी है 2100 रुपये सेवा पर डे। जो भी उसको अपने सेवा करना चाहते हैं एक दिन या दो दिन या चार दिन, तो आप लोग हमारे जयदेव प्रभु या सतीश मेहता प्रभु जी उनसे संपर्क कर लो, रुपया बार मिल जाएंगे आपको, उनको अपना नाम लिखा दीजिए। और अगर संडे का प्रसाद करेंगे तो कम से कम, आज तो लोग थोड़े कम है लगता है, नवरात्रा है ना, वो कल अष्टमी, इसलिए लोग शायद कम है आज, तो लोग उसकी तैयारी में लगे होंगे, तो अन्य 500 लोग प्रसाद पाएंगे संडे के दिन अगर आप करते हो। तो इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि चार परिवार मिलके संडे का प्रसाद भी कर सकते हो, 500 लोगों का लाभ होगा आपको, 500 लोग प्रसाद पाएंगे रविवार के दिन, ये भी आप कर सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी है, लगभग तय है कि इस बुधवार विजयदशमी के दिन जो अतिथि भवन बनने जा रहा है उसका भूमि पूजन है सुबह लगभग 9 बजे, तो आप सबको निमंत्रण दिया जाता है, लगभग तय है, 99% तय है, आप सुबह आइएगा, आपको मैसेज भी करवा देंगे, व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा जो जो है, तो आप सुबह आइएगा, इधर भूमि पूजन का कार्यक्रम है और सुबह सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। बुधवार विजयदशमी के दिन सुबह 9 बजे ये साथ वाले प्लाट में भूमि पूजन होगा, फिर यहाँ पर हैं गेस्टों के लिए, अतिथियों के लिए हैं कमरे बन जाएंगे यहाँ पर। तो कार्तिक मास की महिमा अपार है, और अगर कोई वृंदावन में जाकर कार्तिक मास में थोड़ा सा भी भजन साधन करता है तो यहां से कार्तिक के भजन के हजार गुना ज्यादा लाभ उसको वृंदावन में मिलेगा। इसलिए कार्तिक मास में सभी लोग वृंदावन जाते हैं, चाहे कोई 2 दिन जाए, कोई 4 दिन जाए, कोई 5 दिन जाए, क्योंकि राधा रानी का महीना है और हमारे गौड़िया वैष्णव को ये कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है। सभी वैष्णव इस कार्तिक मास में वृंदावन में वास करते हैं, और आपके यहां से भी यात्रा जा रही है कार्तिक मास 29 अक्टूबर से 4 नवंबर। और इसके अलावा एक सूचना आपको और दे देते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा, ये पहली बार यात्रा जा रही है यहां से दक्षिण भारत। उसका शेड्यूल इस प्रकार से है, अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी से कांचीपुरम, कांचीपुरम से श्रीरंगम, श्रीरंगम से रामेश्वरम, रामेश्वरम से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम से उड़ीपी, उड़ीपी से दिल्ली से फिर वापिस हम अमृतसर आएंगे। लगभग 13 दिन की यात्रा है और इसमें बड़ी लिमिटेड सीट्स बची हैं, कोटा बहुत छोटा रह गया है, बहुत सारे लोग इस यात्रा में जा रहे हैं। जनवरी के लास्ट में या फरवरी के, 1 फरवरी की यात्रा जा सकती है यहाँ से,
तो इसकी बुकिंग आपको 2 या 3 दिन में करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इस यात्रा के लिए अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, इस यात्रा के 3 पैकेज हैं, एक नॉर्मल स्लीपर में जाना चाहते हैं, एक सेकंड एसी वाली यात्रा है, एक प्लेन वाली यात्रा है। ये हमारे रसिकानंद प्रभु जी हैं, इधर खड़े हो जाओ, मैं आपको सब देख लें अच्छी तरह से, कहीं घूम बात में मिलोगे इन सबको। जो भी यात्रा में दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहता है इन सभी स्थानों के लिए, कृपया इनसे संपर्क करिए जल्दी से। टाइम केवल 2-3 दिन है हमारे पास है, क्योंकि बुकिंग कराना है, तिरुपति बालाजी में दर्शन करने हैं, तो वहाँ पर आप सबको पता है कि ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है, नहीं तो दर्शन करने में 20 से 24 घंटे लगते हैं वहाँ पर। और अगर 2 से 3 महीने पहले हम यहाँ बुकिंग करेंगे तो फिर 3 घंटे में नंबर आ जाएगा दर्शन करने का। ऐसे बहुत सारे स्थान और भी दिखाए जाएंगे आपको वहाँ पर, ये मैंने शॉर्ट में आपको थोड़े से स्थान बता दिए हैं। तो 13 दिन की ये यात्रा है, जो भी जाना चाहता है 2-3 दिन में इसे संपर्क करें, अपना फॉर्म फिल कर दे, फॉर्म इनसे मिल जाएंगे आपको। और कार्तिक मास यात्रा के में जाना चाहता है तो हमारे पास 8 से 10 सीटें भी और हैं, जो जाना चाहते लगभग 200 लोग इस यात्रा में जा रहे हैं कार्तिक मास में, तो 10 सीटें हमारे पास हैं लगभग 8 से 10। अगर कोई जाना चाहता है तो कृपया वो भी इनसे संपर्क करें। कार्तिक मास की यात्रा इसी महीने जाएगी, और ये दक्षिण भारत की यात्रा आपकी जनवरी में लास्ट या फरवरी 1 को यात्रा यहाँ से जाएगी इसके आसपास। तो आप जल्दी से इनसे संपर्क करें, कृपया बैठ जाइए। तो अभी अगले महीने से, सॉरी नेक्स्ट संडे से आप एक छुट्टी भी मत करिएगा, रोज़ शाम को आइएगा, दीपदान करिएगा, और बड़े भाव और प्रेम के साथ आप सबने दामोदर अष्टकम गाना है सुबह शाम। मंगल आरती के बाद रोज़ दामोदर अष्टकम सुबह भी गाया जाएगा और शाम को भी गाया जाएगा। मंदिर में 2 टाइम ये दामोदर अष्टकम आरती होगी, सुबह शाम, और सुबह शाम 2 टाइम दीप अर्पण भी होगा। सुबह मंगल आरती में भी दीप अर्पण कर सकते हैं आप आगे भगवान को, और शाम को संध्या आरती के बाद ये 2 टाइम रखा गया है। 30 दिन का ये फेस्टिवल है, इसे करने से राधा रानी की आपको अपार कृपा मिलेगी। और नियम बना लीजिए कि नियम नहीं छोड़ना। और नंबर 2, अगर आप दीप अर्पण करेंगे आपको तो लाभ है ही है, अगर आप दूसरों को प्रेरणा दे के घरों से लेके आओगे यहाँ दीप अर्पण करवाओगे उसमें से भी आपको लाभ मिलेगा। तो प्रयास करें दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए कि वो दीप अर्पण करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने गली मोहल्लों से लेके आइए, उनके हाथ से दीप अर्पण करवाइए। दीप अर्पण करने की विधि सुन लीजिए कैसे दीप अर्पण करना है। दीप आपको वहाँ गेट से दीप दिया जाएगा, फ्री दीप मिलेगा, कोई चार्ज नहीं का। हज़ारों की संख्या में दीप इस महीने में भगवान को अर्पण किए जाएंगे, और जैसे आप आएंगे नीचे गुरु परंपरा है, श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। गुरु परंपरा को सबने एक एक बार दीप दिखाना है, गुरु परंपरा को सबने एक एक बार दीप दिखा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, दीप जो है भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि पे 2 बार, 3 बार मुख पे, 7 बार सर्वांग, 16 बार दीप दिखाना है। 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पे, 3 बार चेहरे पे, 7 बार पूरा, 16 बार दीप दिखाना है। फिर उसी के बाद आप राधा रानी को दिखाइए, फिर गौर नितय को दिखाइए, फिर वापस गुरु परंपरा के दिखाते हुए एक एक करते हुए सभी लोग जितने सबको दिखाइए। उसके बाद उस दीप की आरती लीजिए, क्योंकि भगवान को ऑफरिंग हो चुका है, आरती लेकर दीप को बाहर रख दीजिए। इस कार्तिक मास में अगर आप दियों की सेवा करना चाहते दिए भी दे सकते हैं मंदिर में, 10-15-20 हज़ार दिए लगेंगे, क्योंकि पूरा महीना फेस्टिवल चलना है, बहुत सारे दिए हमको चाहिए। इसमें देसी घी के दीप जलेंगे, देसी घी भी आप डोनेट कर सकते हो, कपूर भी डोनेट कर सकते हो, और बत्ती, रुई की बत्ती नहीं, एक सूत्र के धागे की बत्ती आती है, उसके दीप अर्पण किए जाएंगे। तो जो भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, और 30 दिन का प्रसाद में स्पॉन्सर करना तो भी आप कर सकते हैं। ये सारा मैंने आपको कार्तिक का महिमा सारी बता दी है। अभी बाकी जो दामोदर जी की कथा है वो आपको अगले रविवार सुनाई जाएगी। और दामोदर अष्टकम गाने के लिए आप सब जो हैं, मैं एक लाइन गा देता हूँ ताकि आपको इसको 30 दिन गाना है, आपको प्रैक्टिस हो जाए दामोदर अष्टकम गाने की। Mm-hmm.
Agle hafta, agle hafta dekhaye.
प्रार्थना को दामोदर अष्टकम को और अगले संडे याद करके आना, पूरा साथ साथ समुच्च स्वर में गाना।